सितारगंज में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन लुटेरों के पास से लूटी गई सोने की चेन का टुकड़ा बरामद किया गया है। सितारगंज NH 74 पर कठघरी मोड़ के पास 31 जनवरी को देर रात्रि में हुए लूटपाट की घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। बीते 1 फरवरी को जगदीप सिंह, उसके भाई मनदीप सिंह पर कुछ लोगों ने हमला कर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। सितारगंज पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी और इस मामले में गगनदीप सिंह उर्फ रतनपुरिया तथा विपिन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों के पास से लूटी गई सोने की चेन का टुकड़ा बरामद किया। वहीं सितारगंज पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक तलवार बरामद की। पुलिस ने दोनों अपराधी पर 25,000 के इनाम घोषित कर रखा था। अभियुक्त इसमें से हमने गिरफ्तार किए हैं गगनदीप सिंह और गगन रतनपुरी, ये जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, और इसके अलावा विपिन, ये इच्छा का निवासी है। तो ये दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे हमने जो है लूटी हुई चेन का टुकड़ा भी बरामद किया है, इसके अलावा तलवार और तमंचे भी बरामद किए हैं, तो आर्म्स एक्ट की भी बढ़ोतरी की है। और गगनदीप सिंह गगन उर्फ गगन रतनपुरिया, इस पर पहले से ही SSP उधम सिंह नगर महोदय द्वारा 25,000 रुपए का इसको इनामी घोषित किया जा चुका था। तो टीम की एक बहुत बड़ी सफलता है कि दो मुखिया अभियुक्त गिरफ्तार किया है और बाकी भी अभियुक्त जो इसमें हैं और जो भी घटना में सम्मिलित है उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास जारी है और हम जल्द ही इसमें सफलता प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके लिए थाना सितारगंज की पूरी टीम, SHO सितारगंज बुजवाल, हमारे SSI हरविंदर, इसमें जो IO है सुरेंद्र सिंह बिष्ट, उनकी पूरी टीम तथा CO ओम प्रकाश जो CO सितारगंज है, और SPCT रुद्रपुर मनोज कत्याल, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।